राजधानी शिमला में महिलाएं करवा चौथ के त्यौहार के लिए काफी उत्साहित हैं। पिछले दो वर्षों से कोरोना संकट के कारण महिलाएं करवा चौथ के त्यौहार को अपने घरों में ही मना रही थी, लेकिन जैसे जैसे पर्यटन व उद्योग कारोबार पटरी पर लौटने लगे हैं, उसी तरह अब सभी मेले व त्यौहार मनाने का सिलसिला भी शुरू हो रहा है। उसी के तहत शिमला में महिलाओं ने प्री करवा चौथ त्यौहार का जश्न मनाया। जश्न के दौरान महिलाओं ने एक दूसरे को उपहार दिया और कई तरह की गेम्स भी खेली। वहीं कार्यक्रम में महिलाओं ने मॉडलिंग भी की और जमकर नृत्य भी किया। इस अवसर पर महिलाओं ने कहा कि पिछले दो वर्षों से कोरोना के कारण वे इस तरह के जश्न में शामिल नहीं हो पाई, जिसके तहत आज महिलाओं ने प्री करवा चौथ का कार्यक्रम आयोजन किया है। वहीं उन्होंने कहा कि सभी महिलाएं अपने कार्यों में दिन भर व्यस्त रहती हैं, ऐसे में महिलाओं को अपने लिए प्रतिदिन 2 से 3 घंटे अवश्य निकालने चाहिए। हम लोग करवा चौथ का त्यौहार मनाने के लिए नारी शक्ति का एकता प्रतीक दिखाने के लिए और सब एक अच्छे से एंजॉय करने के लिए, एक नारी जो होती है पूरा दिन घर में व्यस्त रहती है, अपने लिए समय नहीं निकाल पाती। आज हम यहाँ भी इसलिए आए हैं कि सब अपने लिए आधा 2 घंटे 3 घंटे अपने लिए, सिर्फ अपने लिए और अपने त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम लोग यहाँ पर मिलकर, सब फ्रेंड्स मिलकर प्री करवा चौथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं। महंगाई है इतनी ज़्यादा, इसलिए हमने हर चीज़ का ध्यान रखा है कि कितना टाइम, कितना खर्चा खाने के लिए लगाया जाए और कितना हम लोग गिफ्ट्स के लिए लगाएं। तो वो हम सब ने कुछ कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करके हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम सारी लेडीज मिल के करवा चौथ सेलिब्रेट कर रहे हैं ताकि हम ये जान सके कि हमारे जो जितने भी फेस्टिवल हैं छोटे छोटे, वो हम उनको इकट्ठा करके इसलिए मनाते हैं ताकि हम ऐसे ही मिलते जुलते रहें, खुशियाँ मनाते रहें, सेलिब्रेट करते रहें। तो 2-3 साल से हम लोग ऐसे ही करवा चौथ अपने घर पे ही सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन बहुत मुश्किल से, अब बहुत हम लोगों ने प्रिकॉशंस लेते हुए, सारे प्रिकॉशंस को फॉलो करते हुए यहाँ पे करवा चौथ मनाने का डिसाइड किया है। तो हम लोग यहाँ पे सब अपनी खुशी के लिए, सेलिब्रेशन के लिए, प्री करवा चौथ के लिए इकट्ठे हुए हैं। बता दें, इस वर्ष सौभाग्यवती महिलाओं के लिए करवा चौथ 24 अक्टूबर दिन रविवार को मनाया जाएगा। शास्त्रों के वचनानुसार सौभाग्यवती महिलाएं अखंड सौभाग्य एवं अपने पति की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए यह व्रत करती है।